वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर देखने को मिल रहा है कि अभी भी विशाल पांडे ने जो भी कुछ बोला उस इंसिडेंट को खत्म नहीं किया गया, एंड इनफैक्ट उन्हें अगेन एंड अगेन टारगेट किया जा रहा है। जहां अरमान मलिक अक्सर ही उनके पीठ पीछे से बातें करते हैं कि उसकी नीयत गंदी है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, और उसके बाद उन्हें नॉमिनेशन में भी इसी पॉइंट की वजह से डाला जाता है क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं है, उस पॉइंट के लिए जिसके लिए खुद विशाल पांडे ने हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग चुके हैं। वो माफ़ी कह चुके हैं कि चलो ठीक है, मुझसे गलती हो गई, और अपनी माँ की उन्होंने कसम तक खाई, भाई इससे ज़्यादा अब आप लोगों को क्या चाहिए उसके प्रूफ में। हालांकि जो ऑब्सेशन है अरमान का वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, और उससे ज़्यादा उनकी पत्नी जो बाहर बैठी है उनका भी ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। तभी तो एक ही बात एक ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके बाद फैंस उन्हें बराबर लताड़ लगा रहे हैं। आपको बताएंगे पूरी अपडेट, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक कोई मिस ना हो। दोस्तों आपको बता दें, पायल मलिक ने एक पोस्ट शेयर की रील्स स्टोरी में, जिसके ज़रिए वो यहाँ पर ये दिखा रही थी कि 90% जो अरमान ने थप्पड़ मारा है विशाल को, उसके पीछे 90% हाथ था वो लव कटारिया का था। लव कटारिया अगर ना बोलते कि चमाट में मारता, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो अरमान ऐसा नहीं करते। अरमान तो बहुत ही दूध के धुले हैं, अरमान तो बहुत ही सीधे हैं, अरमान जी तो बहुत अच्छे हैं, अरमान जी तो बहुत प्योर हैं, अकॉर्डिंग टू पायल मलिक। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने जो ये रील शेयर की है पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे, उसके बाद फैंस उन्हें बराबर यही ट्रोल कर रहे हैं कि भाई अरमान जी को खुद की आँख नाक कान मुँह नहीं है क्या, उनको खुद का कुछ नहीं दिखता है क्या, क्या वो अब लव जो कहेंगे वही करेंगे, वो अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहना है फैंस का, क्योंकि अरमान ने जो थप्पड़ मारा है वो लव की वजह से मारा है, 90% लव की वजह से मारा है, वरना अरमान तो कुछ करते ही नहीं, अरमान तो बहुत ही सीधे इंसान है। भाई ये है बाहर मैटर चला, मतलब जो इंसिडेंट स्लैप्ड वाला थप्पड़ हो चुका, मैटर खत्म हो चुका, उसके बाद भी ये चीज़ें लोगों को लगानी है, ये दिखाना है कि हम लोग सही हैं, मलिक से सही हैं, सामने वाले इंसान गलत है। कब तक आप लोगों से ऐसे हरकतें करते रहोगे? आप लोग प्रैंक्स को खुद सारे करते ही हो, ऐसे डिस्कस्टिंग प्रैंक्स, अब आप रियल लाइफ जो बिग बॉस में चल रही है वहाँ से भी आपको यही समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, मतलब आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हो। और अरमान का ऑब्सेशन एल्विश हुआ, लव कटारिया हुआ, इनसे ख़त्म नहीं होने वाला, उनके पास और कोई बात ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से पिंच मारते वहाँ से पिंच मारते कि कैसे भी एक पंगा क्रिएट किया जाए। अदरवाइज़ वो घर के अंदर क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। बहरहाल आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, कि आपने किया अरमान को वोट मत करना।